प्रारंभ किए थे पिछले क्लास में और समझे थे इतिहास क्या है। आज के क्लास में अब इतिहास को आगे की ओर बढ़ाएं। इतिहास में सबसे पहले आपको डेट समझना हो। अब डेट का मतलब जैसे हम कहें कि अभी बताओ कितना चल रहा है, 2000 ईस्वी बताओ, 2000 कितना है, 23, पिछले साल क्या था, 22, उसके पहले 21, करते करते कहीं 2000 रहा होगा, और पहले करते करते 1900 रहा होगा, और पहले करते करते 1800 रहा होगा, और पहले करते करते 0 रहा होगा। तो क्या धरती यहीं से चल रहा है? तो ये 0 क्यों माना गया वहीं? क्या सही में अभी 2023 हुआ है? बात तो समझने वाली बात है। क्या 0 से जब पहले रहा होगा तो माइनस में लिखना सही है? आप ही बताओ, 0 से पहले तक क्या कहेगा, माइनस में बोलेगा कि कब का घटना है, तो -500 -1000, क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो फिर ये 0 यहां क्यों आया, क्यों अभी हम 2023 ही बोल रहे? तो बात को समझना है, कैलेंडर जो आप देख पा रहे हो, हम लोग किस कैलेंडर को मानते हैं वही चीज मेन है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं 2023, इसको यहां पे ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, और जहां से ईसा मसीह का जन्म है हम मानते हैं कि वहीं से कैलेंडर शुरू हुआ। एक इसके पहले की घटना बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व कहते। ईसवी पूर्व का मतलब है ईसा से पहले, उनके जन्म से पहले की बात है। यहाँ 100 होगा, यहाँ 200 होगा, यहाँ 300 होगा। आपसे कहें कि बताओ 300 बीसी पहले आएगा कि 100 बीसी पहले आएगा, पहले कौन आएगा? पहले 300, पहले कौन आएगा जी? 100 बीसी की 300 बीसी, 300 कितना को 300 लग रहा, 300 बीसी पहले, हाँ, और कितना को 100 बीसी पहले लग रहा, 100 पहले लग रहा। गिनती यहां देखो तो 300 के बाद 200, 200 के बाद 100, 100 के बाद 0। हाँ, इधर बढ़ेगा तो 100 पहले आएगा, 300 बाद में आएगा, लेकिन बीसी वाला जब चलेगा तो समझना बिफोर क्राइस्ट है, उल्टी चलेगा। और कई लड़का बीसीओ के सीधा चलाने लगता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 300 बीसी पहले है। बीसी का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, ईसा से जन्म से पहले। यहां पर जो घटना है उसको हम लोग एडी कहते हैं। एडी, एडी का मतलब एनो डोमनी, एनो डोमनी का मतलब ईसा पूर्व है, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, ईसा बाद नहीं कहना, ईसा की शताब्दी में। माना जाता है कि सब सब ईसा मसीह का ही डेट चल रहा है, ईसा की शताब्दी में। चूंकि हम लोग के यहां अंतिम में अंग्रेज शासन की, अंग्रेज ईसाई थे, तो इसीलिए हम लोग उन्हीं का कैलेंडर मान रहे हैं। इसीलिए 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मारते हैं और 2023 हम लोग उनके अनुसार चल। क्या पूरा विश्व इसी कैलेंडर को मानता है? नहीं, हर का अपना अलग अलग है कि यहीं से शुरू है, वहीं से शुरू है। तो हम लोग पहले अभी 10 मिनट एक कैलेंडर के क्वेश्चन को लाइन अप करेंगे हिस्ट्री में कैसे क्या चलेगा। तो सबसे पहले नीचे आप एक लाइन खींच दीजिए और इस लाइन में यहां पे आप 0 दे दीजिए। 0 से इस साइड का जो हिस्सा है इसको हम लोग बीसी कह दें। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट हो गया, इसको ईसवी पूर्व कहते हैं। और इस साइड को एडी कह दें। एडी का मतलब एनो डोमनी होता है, जिसको ईसा के शताब्दी में ईसवी कहते हैं। 0 के उधर बीसी और 0 के इधर एडी। यह 0 जो माना गया ये कौन सा संवत है? तो इसको हम लोग ईसा संवत के नाम से जानते हैं।
यह ईसा संबत है। ईसा संबत का मतलब है ईसा के जन्म से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग खूब बढ़िया से समझेंगे। यहां पे अब एक दो बात खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। इससे बहुत पहले एक घटना है, 57 ईस्वी पूर्व का, 57 BC का। 57 BC में एक राजा थे विक्रम, और उस विक्रम राजा ने शकों को भारत से भगाया था, और उन्होंने इस समय शुरू किया जिसका नाम है विक्रम संवत। उन्होंने कहा था कि यहीं से कैलेंडर शुरू होता है, उनका 0 यहां पर था और यहां से वो अपना गिनती शुरू किए थे, इनके अनुसार से इनसे भी 57 साल पहले। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विक्रम संवत की शुरुआत कब है? 57 BC में। कौन शुरू किए? राजा विक्रम। किस उपलक्ष्य में? शक विदेशी राजा था उसको हराने के उपलक्ष्य। धीरे धीरे घटना फिर आगे बढ़ा। एक घटना है 78 ईस्वी की। 78 ईस्वी में एक राजा है कनिष्क, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, और जब कनिष्क राजा बना तो कहा कि बस कैलेंडर यहीं से शुरू होगा, यहां से 0 मानो और दुनिया शुरू करो। इस संवत को उसने शक संवत के नाम से जाना, और इस संवत को हम लोग शक संवत कहते हैं। संवत माने साल होता है। आप लोग घर में सुने होंगे कि संवत जल गया, किसी के यहां कोई मर जाएंगे तो कहेगा संवत जलने दीजिए तब शादी विवाह का कार्यक्रम घर में हो। तो संवत माने साल। शक संवत कौन चलाया? कनिष्क। किस उपलक्ष्य में? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। विक्रम संवत कौन चलाया? राजा विक्रम। किस उपलक्ष्य में? शकों को भगाने के उपलक्ष्य में। इसी प्रकार से आगे हम बढ़े तो एक डेट है 319। इस समय चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ, और चंद्रगुप्त प्रथम ने यहां पे गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में कहा कि बस यहां से कैलेंडर शुरू होता है। अरे आज 2023 फिक्स्ड है तब ना, सब नहीं मानता। तो तुम लोग जिस दिन पढ़ने आता कहते कि बस आज से इसमें शुरू हुआ है, इसको 0 माना जाए, और सभी लड़का इसको 0 कहना, और यहां से पूछेंगे कितना साल से पढ़ रहा है, कितना ईस्वी हो गया, तो जी 5, माने 5 साल पुराना स्टूडेंट। हम ही कैलेंडर नया चला देते। कोई भी तुम्हारे साथ कोई घटना होती कहता बस बस हम आज BPSC पास हुए, यहीं से कैलेंडर का शुरुआत माना जाएगा, नया कैलेंडर शुरू कर देते। यही लोग पहले करते थे। इसी समय एक डेट और है, 622 ईस्वी। इस समय मोहम्मद साहेब मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक हैं वो मक्का से मदीना हिजरी संवत प्रारंभ किए, और हिजरी कहते हैं हिजारत को, हिजारत मीन्स स्थानांतरण, और इसीलिए 622 को यहां हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कई कैलेंडर तुमको बता रहा है, तुम लोग खाली कैलेंडर जो अभी 2023 देख रहा है ना, वो ये वो कैलेंडर है ईसा कैलेंडर। अब तुम लोग कई बार व्हाट्सएप पे देखागा विक्रम संवत इतना, तो समझ जाएगा कि ओ ई वाला कैलेंडर चल रहा, शक संवत हेतना तो ई कैलेंडर चल रहा, गुप्त संवत इतना तो ई कैलेंडर चल रहा। मुस्लिम लोग जो कैलेंडर देखते हैं उनका कौन कैलेंडर? हिजरी संवत। अब सबका कैलेंडर में जरूरी नहीं है कि 365 दिन हो, सबका साल अलग अलग है। मुस्लिम लोग में हिजरी संवत में 320-22 दिन का ही साल, बताओ इनके कैलेंडर में 365 दिन का साल है, और इनका कैलेंडर में 322 दिन का साल है। तो इसी कारण से मुस्लिम धर्म का और ई कैलेंडर में मंथ टैली नहीं करेगा। कई बार देखोगे कि मुस्लिम लोग का रोजा गर्मी के दिन में पड़ गया, अगला बार देखोगे तो कहोगे कि हल्का गर्मी है, फिर देखेगा तो कहेगा जा रोजा अब ठंडा के मौसम में हो। कारण दोनों के
ईयर में कितना दिन ईयर होगा ये अंतर है, इसलिए एक कारण, दोनों 365 मानते तो हमेशा रोजा बेचारा का एक ही मौसम में हो जाता। हिंदू धर्म में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ यही वाला है, और ये जो तुम देख रहे हो इसका भी फिक्स नहीं है, ये भी तीन मेन है क्या, एक्चुअल कैलेंडर बहुत टफ काम है। कारण पृथ्वी 365 पूर्णांक 1/4 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो एक्चुअल इतना दिन का एक साल होना चाहिए। तो अब ये ईसा संबत वाले लोग क्या किए, दिमाग लगाए, कहे कि साल 365 दिन का हो और प्रत्येक चार साल पर एक दिन फरवरी बढ़ के 29 दिन का हो जाएगा, तो 365 पूर्णांक 1/4 का हिसाब किताब हो। और उसको उन्होंने कहा कि यह क्या है, लिप ईयर है। लिप ईयर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो लिप ईयर यही उन्होंने बता दिया, 1/4 को लिप ईयर मार। अब देख लीजिए हिंदू धर्म वाले का कि एक के दिन में कहे कि नौवीं दसवीं दोनों पड़ जाएगा, फिर कहते हैं कि सातवीं आठवीं पड़ गया है, रात में 12 बजे के बाद नौवीं पड़ेगा, ये सब हिसाब किताब देखा है ना। तो इसके कारण उनको बीच में 12 महीना में एक बार कहना पड़ता है कि ये महीना दोनों मलबास होगा, कंटिन्यू चलेगा। तो तुम कभी कभी देखोगे कि एक के महीना खत्म होगा फिर वो महीना कंटिन्यू आएगा, जब ये सब सुनने में आएगा तो कहना कि ओ 1/4 के ये सब जुगाड़ चल रहा। अगर ये जुगाड़ नहीं करेगा तो दिक्कत क्या होगा, जेठ में गर्मी पड़ती है और जुगाड़ नहीं करेगा तो मालूम चलेगा जेठ में 200 साल बाद रजाई ओढ़ के सोया हुआ, कैलेंडर चेंज ना कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस किए हैं। अब इसी से कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आपको खूब बढ़िया से समझना है, तो सबसे पहले इसको कंटिन्यू कीजिए और तब क्वेश्चन राउंड में हम लोग चलेंगे। लिख दीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए फटाफट, उसको पूरा बना लीजिए।
उतार लिए। चलिए जल्दी जल्दी पहले बताइए विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया, जल्दी बताइए राजा विक्रम किस उपलक्ष में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष में। शक संवत की शुरुआत कनिष्क किस उपलक्ष में, राज्याभिषेक के उपलक्ष में। तो सब इसमें छोटा छोटा हम लोग इसमें लिख देंगे, इसमें विक्रम संवत हो गया, राजा विक्रम प्रारंभ किया शक को पराजित कर। दूसरे कलर से लिख देना। चलिए शक संवत का मतलब जल्दी बोलो, शक संवत बोलो कौन शुरू किया फटाफट। तो कनिष्क ने राज्याभिषेक पर प्रारंभ किया। गुप्त संवत बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम राज्याभिषेक पर। और हिजरी संवत बोलिए, मोहम्मद साहेब मक्का से मदीना। चलिए अब ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन बनाना है। मुख्य रूप से देखिए, देखो हिस्ट्री में लेसन वाइज अगर ये सब पढ़ोगे तो गहराई का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको गहराई का प्रश्न बनाना है। पहले सारे बच्चे हमको सोच के ये बताओ, एक दो बेसिक बात आपको बताना है तब इसमें चलेंगे। पहले लिख लो, आपको हम कहें कि बताइए ये जीरो है, इस साइड में बीसी है, इस साइड में एडी है। अब यहां हम किए 5, 10, 15, यहां हमने किया 5, 10, 15। अब देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जल्दी से सोच के पहले सही करो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, सोच के बताओ 10 BC से 10 AD में कितना साल है। तो आपको समझना है 10 BC से जीरो होने में 10 साल और फिर 10 साल इधर बढ़ेंगे तो बोलो क्या साल हो गया, 20 साल, दोनों जुट जाए। बोलो 10 AD से 15 AD कितना साल, 5 साल, यहां घटा ले, जल्दी बोलो 15 BC से 10 BC में कितना साल, 5 साल, 15 BC से 10 BC में कितना साल, जल्दी बोलिए 25 साल, बहुत सुंदर। अब उसी प्रकार से आपके लिए अब बढ़िया प्रश्न आ रहा है, खूब बढ़िया से समझना। मान लो कि अभी हमारा 2023 चल रहा है, विक्रम संवत के अनुसार अभी कितना है, परीक्षा में क्वेश्चन देगा, ये सब ओल्ड फैशन हो गया, छोटे परीक्षा में आएगा 57 BC, आपको कहेगा कि 2023 ईसा संवत विक्रम संवत के अनुसार कितना। तो आप पहले ये बताओ, जीरो यहां माने तो अभी 2023 है, विक्रम संवत 57 साल पहले ही जीरो मान लिया था, तो बोलो इसमें 57 जुटेगा कि घटेगा, 57 जुटेगा। तो बोलो 7 3 10 0 5 2 7 1 8 कितना हो गया जी, 2080। अब देखो लिखा रहेगा विक्रम संवत 2080, तो समझना कि वो 2023 है, चल बात समझिए। अगर हम कहते शक संवत अभी कितना है, बोलो जी 2023 को शक संवत में कितना कहो, तो आप समझ जाओगे कि वो शक संवत यहां से शुरू है, तो बोलो इससे 78 साल पहले शुरू है कि बाद, तो इसमें 78 घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो इसमें 78 घटा दोगे तो बोलो ये 5 हो गया, 4 हो गया, 19 हो गया, 1945 इस शक संवत अभी चल रहा है, बात समझना। आपको ध्यान ये देना है, मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 है, मान ली कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि कब के जन्म तिथि है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, उसमें 78 घटा लीजिए और कहिए कि हमारा जन्म पूछ रहे हैं तो शक संवत 1925 में मेरा जन्म हुआ। अब वो बेचारा सोच रहा है 1925 में
तो कहना कि सक संवत 1925, बाकी आप बैठ के बुद्धि लगाते रहे। तुम्हारा इच्छा है 2003, इसमें 57 जोड़ दोगे तो बोलो कब हो गया 2060, कहना विक्रम संवत 2060 में जन्म। अब आदमी सिर खुजला रहा है कि अभी 23 चल रहा है, 60 में जन्म लिया, जन्म कैसे हो। तो कहना कि विक्रम संवत है, बाकी डेट उट अपने से जोड़ घटाव करते रहे। तो अब बताइए तुमको इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो बना सकते हो सब ना, लिखो 3 क्वेश्चन बनाओगे तब समझेंगे, कैलेंडर का लाइन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। लिखा जाए क्वेश्चन, लिखिए शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है। चौबीस से 78 वर्ष, 24 भी 57 वर्ष, 24 से 135 वर्ष और 24 डी इनमें से कोई नहीं। बोलो इनमें से कोई नहीं, 135। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा है, विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितना अंतराल है, क्या समझ पा रहे हो सब कोई। बोलो इधर से कितना साल, 57, आ इधर से कितना, 78। तो 57 और 78 घटेगा कि जुट जाएगा, जुट जाएगा। तो 57 और 78 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 135 साल। आंसर क्लियर है सबका। अगला नंबर एक क्वेश्चन बनाओ, देखे कितने बच्चे सही कर रहे हैं। लिखो गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतराल है। चौबीस से 397 वर्ष, चौबीस भी 319 वर्ष, 24 से 78 वर्ष और 24 डी 241 वर्ष। जल्दी आंसर बोलो, 241। इसमें दोनों को जोड़े थे, इसमें क्या किया है, घटा दिया है। कितने लोग को 241 आया है, वाह। कितने लोग 397 वाले हो, जोड़ के इतना नालायक कोई नहीं ना है जी, तुम है चढ़ाई करता है, देखता है माहौल गड़बड़ है तो खींच लेता है, सोचेगा पहले बढ़िया से। ध्यान दीजिए, पहले ये बताओ शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्ष का अंतराल है, दोनों एडी में ना है तो इसीलिए इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बोलो 319 में से 78 घट गया तो बोलो कितना हो गया, 241। लिखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर, समझ रहे हैं सब ना, एक बार कंबाइन करके देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे लेसन वाइज पढ़ोगे कि संबंध उस संबंध तो जोड़ नहीं पाओगे, फिर क्वेश्चन गहराई का नहीं बनता। क्वेश्चन लिखिए, ईसा संबंध
ईसा संवत 2023, ईसा संवत 2023 हिजरी संवत के अनुसार क्या होगा? ईसा संवत 2023 हिजरी संवत के अनुसार क्या होगा? ईसा संवत 2023 हिजरी संवत के अनुसार क्या होगा? बोलो बोलो, 2023 हमने लिखा है तो हिजरी संवत के अनुसार क्या होगा? सोचो। तो हिजरी संवत का मतलब है कहां से शुरू है? 622। बहुत सुंदर बात। अब बताओ इसमें 622 झूठेगा कि घटेगा? जीरो यहां था तो 2023 था। ई कहता है जीरो यहां हुआ तो 622 साल बाद ना बोल रहा है, तो 622 झूठेगा कि घटेगा? घटेगा। तो 622 घटा लीजिए, बोलो कितना हो गया? जल्दी बोलिए, 1406। ये आपका मुस्लिम वर्ष जो चल रहा है वो लोग 1401 वर्ष कहेंगे कि अभी चल रहा। ईसा वाला लोग कहेंगे 2023 चल रहा। शक वाले लोग अपना डिजाइन देंगे, विक्रम वाले लोग अपना डिजाइन देंगे। सबका अपना अपना कैलेंडर है। बोलो, कैलेंडर क्लियर हो गया है सबका? अब नीचे लिख दीजिए इतिहास का पाठ्यक्रम, सिलेबस की बात करें। आपका यह बैच एकदम फाउंडेशन बैच है, जीरो से चल रहा है, और जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़ा, केवल डेली साथ रहो, डाइजेस्ट करो, धीरे 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 आप पकड़ लोगे इसको। इतिहास का पाठ्यक्रम सिलेबस, पाठ्यक्रम में हम लोगों को ध्यान देना है, तीन खंड पढ़ना है आपको। क में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, बी में हम लोग ख में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसी में हम लोग ग में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास में हम लोग तीन खंड देखेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नीचे हेडिंग दो क, प्राचीन भारत का इतिहास। नीचे क हेडिंग दीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, चलिए पहले सुन लीजिए, एकदम ध्यान से हम लोग को समझना है, फिर एक एक करके डिटेल चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जो पढ़ोगे पूरा प्राचीन का लेसन आपके दिमाग में एक साथ बैठ जाना चाहिए, और अभी जस्ट हम बैठाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे यह होगा हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, तब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद जब हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल, इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, तब हम लोग इसमें देखेंगे गुप्त काल, और फिर हम लोग इसमें देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, तो पहले खूब ध्यान से समझना है। जो बच्चे हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान दे देगा, सुनो पहले, लिखना बंद करो। सबसे पहला काम क्या है? लेसन का एक सीक्वेंस बैठ। जब हम कहें प्राचीन भारत, तो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए कि किन लेसनों को पढ़ना। तो प्राचीन की शुरुआत पत्थर से होती है, पाषाण काल। पाषाण के बाद हड़प्पा, पाषाण हड़प्पा, दो लेसन क्लियर है, पाषाण हड़प्पा। फिर तीन, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, बोलो पहले पांचों दिमाग में आया? बोलो जल्दी, पाषाण हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। बस उसके बाद एकदम आसान,
मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, एकदम ये जी, मौर्य मौर्योत्तर अगुप्त गुप्तोत्तर एंशियंट खत्म। देखो पहले तो सिस्टम एकदम दिमाग में बैठे, पहले सारे बच्चे लास्ट बार शुरू लेसन जल्दी बोलो, पाषाण और हड़प्पा, उसके बाद बोलो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद, गायब कर दी, बोलो मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, याद है कि गायब होगी, लास्ट बार बैठा हो, सब सीक्वेंस तब निरंतरता परिवर्तन करेंगे। जो लड़के का पूरा लेसन एकदम दिमाग में तैर रहा, एक एक लेसन से दूसरा लेसन को जोड़ते जाएगा, वो धीरे धीरे उछलने लगेगा कि हिस्ट्री एकरे कहते हैं, बेकार डर रहे थे, बड़ा मजेदार सिस्टम है। पहले लेसन ठीक से बैठाओ, पाषाण काल हड़प्पा सभ्यता ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, खत्म हो। लास्ट बार पाषाण काल हड़प्पा सभ्यता ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, सुना दो एक बार, जल्दी सुनाओ फटाफट एकदम। पाषाण काल हड़प्पा सभ्यता ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, बैठ जाइए। हाँ एकदम सुनाओ दादा, पाषाण काल हड़प्पा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, बैठ जाइए। एकदम क्लियर है सबका? चलिए इत्मीनान से पहले छाप लीजिए, नहीं छापेगा तो आत्मा भटकता है, कई लोग का आत्मा भटकता है कि उतारे नहीं है और पूरा मिटा दिए हैं, जल्दी से उतार लीजिए। लेसन पहले उतारे और तब हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। बोलो जी, दिमाग में सबका बैठ गया? पाषाण हड़प्पा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, ये एकदम दिमाग में बैठ गया सबका? नीचे हेडिंग दो, पहला लेसन पाषाण काल। पहला नंबर लेसन हेडिंग दीजिए पाषाण काल। चलिए यहीं से हिस्ट्री की कल से शुरुआत हो जाएगी, कल पाषाण काल शुरू भी होगा खत्म भी होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन नहीं है, तो कल पाषाण खत्म करेंगे। यहां से टाइम आपका, देख यहाँ पाषाण से क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभी भुला भटका के एक आगो 5-6 साल में पूछ लिया करता है, तो आप तब भी हल्का एक बार सुन लेंगे, मेन हड़प्पा से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, तो इसमें पूरे आपको एज बैठाएंगे कौन कैसे कैसे है, और तब हड़प्पा से पढ़ने में आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। ऐतिहासिक क्या है, प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है, ये सब इसमें हम समझाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए कल का क्लास आप लोग के लिए हिस्ट्री का अंतिम बेसिक क्लास, उसके बाद लेसन मेन शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे यहां आते आते आनंद बढ़ जाएंगे, फिर हिस्ट्री आसान लगेगा। यहां तक ये बताओ कोई भारी नहीं ना लगा सबको, क्लियर है ना सबका? तो कल हम लोग इससे आगे चलेंगे, आज का क्लास आपका यहीं तक होगा।